बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव चारा घोटाले में झारखंड की जेल में बंद हैं। लेकिन हाल ही में सूत्रों के हवाले से पता चला है कि लालू जेल की आड़ में आरआईएमएस के निदेशक के आवंटित बंगले में ठहरे हुए हैं। बंगले में लालू की खातिरदारी की कुछ तस्वीरें वायरल हो रही हैं, जिससे हड़कंप मचा हुआ है। आखिर क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। चारा घोटाले में सजा काट रहे बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव जेल में नहीं बल्कि सरकारी बंगले में आराम फरमा रहे हैं। जनाब को वैसे तो चारा घोटाले में कोर्ट ने सजा सुनाई है, लोगों की नज़र में वो जेल में बंद हैं। लेकिन जब सरकारी बंगले में उनकी खिदमत करते कुछ तस्वीरें सामने आई तो सब हैरान रह गए। दरअसल झारखंड के रांची में राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के निदेशक को आवंटित बंगले में चारा घोटाले के दोषी और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव रह रहे हैं। वहीं नव नियुक्त निदेशक डॉक्टर कामेश्वर प्रसाद गेस्ट हाउस में ठहरे हुए हैं। ये जानकारी एक टीवी चैनल को सूत्रों के हवाले से हाथ लगी है। फिलहाल तो झारखंड में कांग्रेस समर्थित सरकार है और वो लालू प्रसाद यादव पर काफी मेहरबान नजर आ रही है। गेस्ट हाउस के हाउसकीपिंग स्टाफ ने बताया कि रिम्स के निदेशक यहाँ पिछले 3 दिनों से रह रहे हैं और कोरोना से बचाने के लिए आरजेडी नेता लालू प्रसाद यादव को अगस्त से रिम्स निदेशक के बंगले में स्थानांतरित किया गया था। हालांकि जब लालू प्रसाद यादव को बंगले में शिफ्ट किया गया था तो उस दौरान रिम्स निदेशक का पद खाली था, लेकिन नए निदेशक के कार्यभार संभालने के बाद भी लालू प्रसाद यादव से अभी तक बंगला खाली नहीं करवाया गया है। वहीं इस मामले के खुलासे के बाद बीजेपी ने मांग की है कि लालू को जेल भेजा जाना चाहिए। इस दौरान बीजेपी ने झारखंड सरकार पर सख्त नहीं होने का आरोप भी लगाया है। बता दें कि इस महीने की शुरुआत में चारा घोटाले में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री की जमानत याचिका पर 27 सितंबर के लिए सुनवाई टाल दी गई थी, क्योंकि झारखंड उच्च न्यायालय के समक्ष सीबीआई ने अपनी दलीलें दायर नहीं की हैं। उच्च न्यायालय की सुनवाई के दौरान उनके वकील कपिल सिब्बल ने सीबीआई पर जानबूझकर जमानत याचिका में देरी करने का आरोप लगाया है। लालू प्रसाद यादव की जेल के बजाय बंगले में खिदमत कराते हुए तस्वीरें वायरल होने के बाद हड़कंप मचा हुआ है। बीजेपी झारखंड सरकार पर सख्ती ना बरतने का आरोप लगा रही है। बता दें कि 2017 से दोषी ठहराए जाने के बाद लालू प्रसाद यादव जेल से ज्यादा आरआईएमएस अस्पताल में भर्ती होकर अपनी सजा काट रहे हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूले, ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।